صدق الله مولانا العلي العظيم والحمد لله رب العالمين اتتتا بانا مانا چانچالا करीते तो अनिज बलगा गाता माहे स्वासा भाव हुआ पना भगति जीवड़ो उठीने चालियो निराशा जी पिरना बोध गिनाना विचारी जेने भेदना पाया तेणे गाफले जाना मा हराया जी तेणे पापी फोगट फेरा खाया जी अपना स्वामी ने तमे साचू करीने श्रेवो आने मना माहे विशवासा आनो जी तीर सदर दिना कहे तमे कबाही ना हारो जो जोई जोई पाता तमे ढाणो जी पिरना बोधा गिनाना विचारी ने जेने भेदना पाया तेने गाफले जाना मा हराया जी तेने पापी फोगट फेरा खाया जी खुदा हाजरी माँ नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजरी बाम के पाक और मुबारक नाम परिश कर मोहब्बत से सलवात पढ़ दिन बाप दिनदारो आज से 700 साल पहले जब हमारे इमामों ने हमारे तीन पीरों को हिंदुस्तान के अंदर भेजा पीर सदरुद्दीन पीर हसन कदरुद्दीन
फिर सद्गुरु और बाद में पीर शम्स वगैरह, ये जो पीर थे वो पेड मिशनरी नहीं थे। दिस पीर वर ऑनररी मिशनरी। आज हाजिर इमाम के डिपार्टमेंट के अंदर दो टाइप के मिशनरी है, एक तनख्वाह लेते हैं, एक ऑनररी वर्क करते हैं। एक दो मिनट के लिए सिर्फ ऐसा ख्याल करने में आए कि मैं एक पेड मिशनरी हूं हाजिर इमाम का, तो मैं भी के शायद मेरी कुछ गर्ज भी होवे इसके अंदर, शायद। मैं खाली सिंपल वे पे आपसे कहता हूं कि भाई चलो बड़ी तनख्वाह मिलती है, सब घूमने को मिलेगा, फिरने को मिलेगा, लेकिन पीर सदरुद्दीन और पीर हसन कबीरदीन ये दोनों बाप बेटे थे और सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1945 की कॉन्फ्रेंस के अंदर दारेसलाम में मिशन कॉन्फ्रेंस में एक रेफरेंस दिया। इमाम ने फरमाया कि पीर हसन कबीरदीन घना धनाढ्य था, बहु पैसा वाला था, बहु सुखी था। तो पीर सदरुद्दीन पैसे वाले थे, पीर हसन कबीरदीन पैसे वाले थे, उनके घर पर नौकर चाकर थे, लेकिन जो ट्रूथ, जो सच्चाई उन्होंने एक्सपीरियंस की और जो हाजिर इमाम की शनाखत, जो इस्लाम की शनाखत उन्होंने की, तो उनको इमाम का हुक्म हुआ कि अब तुम हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान में जाके जो दूसरे लोग हैं, जो हिंदूज हैं, उन हिंदूज को तुम इस्लाम, जो आखिरी दिन है खुदा का, अल्लाह का, उस इस्लाम की शनाखत दो और इस्लाम के अंदर जो 73 सेक्ट हैं, मौलाना इमाम इस्लाम शाह ने फरमाया कि उसमें जो इस्माइली मजहब जो है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 73 सिरके हो जाएंगे, 73 फांटे हो जाएंगे, हुजूर ने फरमाया, और उसमें एक जो फिरका होगा वो सच्चाई के ऊपर होगा। तो इमाम ने इनको इसलिए भेजा, कोई उनका गर्ज नहीं था, कोई इनका सेल्फिश बना नहीं था, लेकिन एक सच्चाई दुनिया को दिखाने के लिए वो इंडिया आए बड़ी तकलीफ उठा के। और जब इंडिया आए तो उस वक्त हमारे जो बाप दादे थे, हमारे फोर फादर्स थे, वो लोग हिंदू मजहब के अंदर थे और पीर सदरुद्दीन ने इनको आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम क्या है हिंदू मजहब से कंपेयर करके, हिंदू जो है वो अवतारा में मानते हैं आज भी, उस जमाने में हमारे जो वडवा थे वो लोग मानते थे, तो उनको बताया कि देखो नौवें अवतार के बाद दसवां अवतार है, वो दसवां अवतार का नाम तुम्हारे धर्म पुस्तकों के अंदर नकलन अवतार है, वो नकलन अवतार अभी ये शक्ल के अंदर है, मुर्तजा अली की शक्ल के अंदर है, हजरत नबी मोहम्मद के शक्ल के अंदर है, और अली और नबी का नूर अभी उस इमाम के अंदर है। ऐसे उनको वायस कर करके, उनके मजहब की किताबों में से उनको समझा समझा के, और हमारे बाप दादों को इस्लाम मजहब दिखाया और इस्लाम के अंदर इस्माइली फिरके के अंदर लाए और उसको हाजिर इमाम की शनाख्त कर। रीजन क्या था? ये फरमान की किताब शायद है जमात खाने के अंदर, बैतुल ख्याल की है, और माशाल्लाह आप सब बैतुल ख्याल के मेंबर हैं। मुझे बस माफ करना, लेकिन माशाल्लाह आप हैं मेंबर, और आज की वायद गौर से सुनना दीनदारों, और कोई चीज समझ ना पड़े आप आफ्टर वायद मेरे को पूछ भी सकते हैं। जो लोग कोई हिसाब से जमात खाने नहीं पहुंच सकते हैं, जिन्होंने इस्माइली मजहब का नॉलेज नहीं लिया है, गिना नहीं पड़ा है, फरमान के टच में नहीं रहे हैं, शायद उनके दिमाग के अंदर थोड़ा
आज जो मैं फिलोसॉफी दूंगा वो उतरने को थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना। इसमें एक सेंटेंस आया है, पीरों ने हमको जो कन्वर्ट किया ना इस्लाम में और इस्माइली मस्जिद में लाया, तो सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया बैतुल ख्याल के अंदर कि तमारी पासे जे बंगी छे अने तमारी पासे जे इसमें आजम छे, जिसको हम बोल भी कहते हैं, जिसको गुरु मंत्र भी कहने में आता है। सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया तमारी पासे जे बंगी छे, तमारी पासे जे जाप छे, वल्ला ए दुनिया नी अंदर कोई नी पासे नहीं। जब जंगबार के अंदर 1899 में आए सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह जंजीबार में 12 मेंबरों को बैतुल ख्याल के अंदर दाखिल किया और सरकार सुल्तान उषा ने एक एक को सेपरेट को बुला के ने इसमें आजम दिया। 12 जने थे और फिर वो 12 में से एक जने को बोलते हैं कि गिनान का पाठ बोलो, तो गिनान का पाठ बोला एक भगत ने, कौन सा, ए जी आजम पिया जापा, समझण दू अजंपिया जाप, जो लोग बोल ले चुके हैं इसमें आजम। अजंपिया मींस हमारी जो लिप्स है ने वो लिप्स बंद रहे और अंदर जिक्र चलता होवे, उसको गुजराती में कहते हैं अजंपिया, यानी लिप्स हलाए बगर का जो नाम है। ए जी अजंपिया जापा, ए मुनिवरे जान्या, अरे लख चोरासी जीवना फेरा जटारिया। पाठ पूरा हुआ ने तो सुल्तान उषा ने फरमाया बेशक बराबर, ये तुमने बराबर पाठ बोला कि हमने जो तुमको अभी इसमें अजम दिया है ने, वो अजम या जाप दिया है ने, वो तुमको जन्म मरण के फेरे के अंदर से तुमको छुड़ाएंगा, माँ बाप तुमको नजात देगा, तुमको मुक्ति देगा। फिर कहते हैं देखो ये चीज किसके पास नहीं है जो दुनिया में तुम्हारे पास है, और इसके लिए हमको इस इस्माइली फिरके के अंदर लाया। लेकिन फिर सदरुद्दीन माँ बाप ने एक ऑब्जर्वेशन किया, हमेशा वायस करे थे, जमात पे ध्यान रखते रहे कि कितने आते हैं, जमात खाने आते हैं नहीं आते हैं। तो एक चीज उनको उनके रिजल्ट में मिली पीर सदरुद्दीन के, कि जो मकसद के लिए इतनी मेहनत करके ईरान से हम आए और हाजिर इमाम की शनाख्त कराए, तो वो मकसद शायद इस्माइली भूलते जाते हैं और दुनिया के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं। मोहब्बत बहुत थी पीर सदरुद्दीन के जमाने में, जो जमात थी ने उसको मोहब्बत बहुत थी। पीर सदरुद्दीन फाड़ा मानते के फाड़ा चेता है, वो जमाने भी फाड़ा था अपने गिनानों में है, तो फौरन हजारों रुपया दे देते, वो जमाने के जो करेंसी चलती हजारों रुपया। फिर सदरुद्दीन कहते कि खिदमत की जरूरत है, दे देते। फिर सदरुद्दीन कहते कि चलो ईरान दीदार करने को जाना है, तो बहुत जने जाते ईरान दीदार करने को, जो भी ऑर्डर, प्रेम बहुत था। लेकिन जो मैंने परसों कहा ना कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो प्रैक्टिकल नहीं था। तो एक दिन फिर सदरुद्दीन जमात के साथ बैठे और उनके मुंह में से गिनान का ये पाठ निकला जो मैंने पहला और लास्ट पाठ दिया, और सदरुद्दीन ने कहा चेत चेत, यानी होशियार हो जा, अवेयर हो जा, चेत चेत बाना, बाना मीन्स बोझ, चेत कितना प्यार से कहा कि चेत जा, होशियार हो जा, कब तक, जब लग गटमा है सांस, जब तक तेरे अंदर सांस है, जब तक तू जीता है, जब तक तेरे में हिरने फिरने की शक्ति है, ताकत है, तब तक होशियार हो जा, चेत चेत बाना, मन चंचल करीने चेतो, अपने दिल को होशियार करो और होशियार हो जाओ। और फिर कहते हैं भाव हुआ, तुम्हारे अंदर लव है, तुम्हारे अंदर भावना है, तुम्हारे अंदर सेक्रीफाइस का जुस्सा है, ये भाव हुआ, ये सुपरा है ने, ये क्या है, ये 3-4 दिन तक ये अपनी माताएं आके यहाँ मेहनत करती है, पकाती है, ये क्या, ये भाव है, आप जो डेकोरेशन करते हैं जमात खाने में, ये क्या है, ये हमारा भाव है इमाम के तरफ का,
आप जो पैसे देते हैं यहाँ पर दसों देते हैं, ये क्या है? ये हमारा भाव है। सिल्वर जुबिली का आपने फाड़ा दिया, ये क्या है? भाव है, हमारा प्रेम है। लेकिन सदर दिन ने कहा, भाव हुआ और भक्ति नहीं होगी तो जीवड़ो उठी ने चालियो निराश, कि जब तुम्हारा टाइम आएगा ये दुनिया छोड़ने का, तुम निराशा के साथ दुनिया छोड़ेंगे। और फिर कहते हैं कि पीरना बोध, जो तुमको पीर ने समझाया, पीरना बोध किनान विचारी ने जिने भेद न पाया, कि इतना इतना सुनने के बाद भी जिन लोगों ने अपने आप को होशियार नहीं किया, तेने गाफले जन्म हराया, उसको गाफल कहा, उसको बेदरकार कहा, कि उसने अपना जन्म बेकार में गमा दिया, था भरोसा? आज जिसकी ज्यारत हुई है जिंदगी का भरोसा, जो कि माशाल्लाह वो तो अपनी करणी साथ में लेके गए, के छांटा दलाया, शुक्रवारी बीज थी, चांदरात का दिन था, अपने गुनाहों को बख्शाया और ऑफ हो गए, है जिंदगी का भरोसा? कुछ नहीं है। इसके लिए हाजिर इमाम बार बार कहते हैं कि काल क्यारे आवानी न थी। कईयों के दिमाग में गलत फहमी है। देखो, मैंने पहली वायस में भी कहा था कि मेहरबानी करके ये गैर समझ अपने दिमाग में से निकालो, कि चांदरात का एक फरमान इसमें आया है, हाँ? इसमें सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि आवी रीते मरेला शख्स ना रू ने मुक्ति मरे छे। केवी रीते? के चांदरात का मेंबर बन जाओ और फिर मर जाओ और फिर उसके हक में दुआ गुजारने में आवे, तो सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि आवी रीते मरेला ना रू ने मुक्ति मरे छे। तो भाई बाबुल भाई तो एकदम बेफिक्रे हो गए कि वांदो नहीं, तो चांदरा जप्पा मेंबर बनी गया है, हने जलसा करो। अब बाबुल मर गया, समझो मिशनरी बाबुल मर गया, 100 साल पूरे हो गए और अपनी हयाती में 420 के सब धंधे किए, कईयों की इज्जत खराब की, कईयों का माल खा गया, कितने 420 के धंधे किए, कितने शराबे पी, कितने किसी की जमीन खा गया, कितनी विधवा के दागीने खा गया, किसी को टॉर्चर किया, किसी के ऊपर जुल्म किया, और बाबुल मर गया और चांदरात की मजलिस में उसकी दुआ मांगने में आई और बाबुल मुक्ति हो गया। यानी खुदा के घर में इंसाफ जैसी फिर कोई चीज नहीं रही। लेकिन हम चांदरात के फरमान को समझे नहीं हैं, हमारे मतलब की चीज ले ली। लेकिन शुरुआत की जो लाइन है चांदरात के फरमान की, के आ फरमान सर्वे जमात हकीकती ना छुटकारा माटे फरमावू छू। मोमिनो, छुटकारे के पहले हकीकती बनो और फिर छुटकारे के लायक हम बनेंगे। पहले हकीकती बनो, पहले मार्फती बनो और प्रैक्टिकल लाइन के अंदर आओ और फिर देखो दिनदारों छुटकारा होता है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो ये चांदरात की दुआ मांगते हैं उसका कुछ असर नहीं होता है, उसका असर जरूर होता है। लेकिन जो असल मकसद है हमारा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह में से आए हैं और अल्लाह के अंदर हमको वापस पहुंचना है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और कई लोग समझते हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी मंडलियों के अंदर है, लाइफ के आगे हैं, तो हमको भी छुटकारा है, बंदगी नहीं करेंगे तो चलेगा। ये भी गलत फहमी है। मैं नाम दूंगा, पहचानेंगे आप। इंसान को इस जिंदगी में काम आता है, मौत के वक्त काम आता है, और मौत के बाद भी इंसान को उसका मजहब, उसका रिलीजन काम आता है। मगर कौन सा, किस टाइप का रिलीजन? मैंने पहली वाइज में जो लोग नहीं आए हैं, मैं रिपीट करता हूं कि ये नहीं कि मेरे को फुर्सत मिले तब मैं जमात खाने जाऊं, नहीं। हाँ, तुम्हारे काम धंधे पे हो, मैंने अक्सर कहा है तुम्हारी दुआ का वक्त संभाल लो। सुबह जमात खाने नहीं पहुंच सकते हो, आप अपनी दुआ संभाल लो, घर में आबे शफा रखो और आबे शफा नौश करो, आबे शफा पियो, फिर तुम चाय का कप लो, फिर कॉफी का कप लो। लेकिन पहले ये हैबिट डालो, अगर आप हैं बैतुल ख्याल के अंदर और अगर आप इसमें आजम लिए हैं
मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया है कि इमाम के घर के हम कर्जदार बन जाएंगे। इमाम के घर के बनना है कर्जदार। सुनाओ आपको फरमान, देखो गौर से सुनो। मौलाना सुल्तान उशा फरमाते हैं कि जेने अमोए शब्द आप्यो छे, इसने आजम जेने अमोए शब्द आप्यो छे, नक्श आप्यो छे, ते पगथिया माफक काम न करे अने गफलत करे तो नूर जोई नहीं सके। फिर फरमाते हैं तमे ऊंचे चढ़ो छो अने कहो छो जे पगथिया बहु मुश्किल छे अने आ नथी थतो ए सारू नथी। तमे ऊंचे चढ़ो छो ने कहो छो के बहु मुश्किल छे। हाँ, हम कहते हैं ने भाई बहु भारी है, सवा जो 4 बजे बहु भारी, बहु डिफिकल्ट है। तो ओके, अभी सुनो, तमे आ काम न लीधु होत तो सारू होत। बैतुल क्या तमे आ काम न लीधु होत तो सारू होत अने निंदर करते तो वधारे सारू थते के जेथी तमारा ऊपर कर्जो न रहे। एवू काम न करो के जेथी तमे सरकारी अमारा घर ना कर्जदार थे जाओ। एवू काम न करो। पकड़ा था ये मुखी साहब ने कोई का गला के लाओ भाई पोणो तो जेल रखो अने थियो दाखल। हाँ, मुखी बाप आया थे कोई के घर पे। हाजर इमाम ने 78 में इंडिया में कहा 26 जनवरी को कि हमें तुम्हारी पास से आया था कि तुम्हें आमा दाखल खाओ। जमात कहते नहीं तो पची तमे राजी खुशी थी आया छो इसमें आजम लेवा माटे, तमे राजी खुशी थी मेंबर बनिया छो। तो कहते कि हाँ। तो मौलाना शाह करीम हाजर इमाम फरमाते हैं तो हम तुमको खुशी के साथ इसमें आजम देंगे। लेकिन देखो हाजर इमाम कहते कि फरी पाछू कहूं छू कि हूं तुम्हारी पास नोतो हजो तमने कहवा माटे कि तमे आ काम में दाखल थाओ। नहीं हम सब राजी खुशी के साथ आए। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आओ। जिसके पास इस्मे आजम नहीं है वो या अली का नाम का रटन करे, पीर शाह के नाम का रटन करे, या अली या मोहम्मद के नाम का रटन करे। और एक बात और सुन लो, अक्सर मैं अपनी वायजों में ये सेंटेंस कहता हूं कि किसी का अच्छा हमारे से ना हो सके, कभी किसी का बुरा नहीं करना। सिंपल तरीके से जिंदगी गुजारो, अच्छे अमल करो, दुआ पढ़ो, बंदी करो और फिर आने दो मौत का टाइम। मैंने कहा ना मजहब इस जिंदगी में काम आएगा, मजहब मौत के वक्त काम आएगा और मजहब मौत के बाद भी काम आएगा। मैंने परसों के तरसों की वायद में 2 टाइम कहा है कि मैं ज्यादातर बातें आपको मेरी प्रैक्टिकल लाइफ की बताऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ 2 पिक्चर तुम्हारे सामने रखता हूं जो 2 एक्सपीरियंस मैंने किए और उसके ऊपर से फिर आज ये तय करके जाओ कि मस्जिद के अंदर थोड़ा टाइम हमको निकालना है कि नहीं हमारे 24 घंटे के अंदर से। देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन से टाइम पे उसका बुलावा हमको आ जाएगा हमें नहीं पता है। और उस दिन की तैयारी करो जब हमको ये दुनिया छोड़नी है। चेत चेत बाना मन चंचल करीने चेतो। एक घर के अंदर मैं गया था कुछ काम से, लेकिन अंदर का घर का माहौल देखा ने तो मुझे बड़ी ताज्जुबी हुई। एक शख्स बिस्तर के ऊपर पड़ा था, हॉस्पिटल में से उसको लाए थे और सब रिश्तेदार घर के अंदर जमा हो गए थे और न्याश पड़ा था ने सब न्याश पिलाने की कोशिश करते थे। मैं भी एंटर हुआ घर के अंदर, याली मोलाली किया उनके बड़े भाई से और अंदर का माहौल देख के मेरा काम मैंने पेंडिंग रख दिया। और माहौल देखता हूं अंदर का, मौत के 15 मिनट पहले की बात करता हूं, वो शख्स मरा उसके 15 मिनट पहले की बात। उनका भाई था ने बड़ा भाई, वो बैठा है सिराने के ऊपर। देखना न्याश पिलाते हैं न्याज, उसको चमची से न्याश पिलाते हैं तो न्याज मुंह में से बाहर आ जाता है। दिनदारो अभी सुनो, उसकी वाइफ बोलती है कि जाप याद करो, बैतुल ख्याल लो, बोल याद करो, पिरशा पिरशा बोलो, या अली या मोहम्मद बोलो। नो आंसर।
उसका बड़ा भाई बोलता है जहां याद करो तुम्हारो बोल याद करो, श्वास चलता है जोर से, कैंसर था, फूड पाइप का कैंसर था, श्वास जोर से चलता है, आवाज आ देता। भाई बोलता है नो आंसर। फिर मुझे बोलते मिस्त्री साहब जरा कोशिश करो ने, अरे छेली घड़ी चाली रही थी, कोशिश करो ने जरा तुम्हें इन्हें छेले छेले याद आवी जाए। देखो एक बात ध्यान से सुनो, मुझे बॉम्बे में कई लोग क्या दलील करते है पता है, मिस्त्री साहब ऐसा बंदगी ना करना पड़ा सा कैसा जो बोल बराबर याद है, बराबर नहीं नेचुरल, इसमें कुछ खराब बात नहीं। बोझ जने से बोलता है क्या ऐसा बंदगी ना करना, छोटा कड़े शुक्र कड़े जुमे रात कड़े सता रात ऐसा के बोल याद है। लेकिन ध्यान से सुनना, याद रहेगा, आप एक भी दिन नहीं आओ ने आपको याद रहेगा, जरूर रहेगा। लेकिन याद रखना कि एंड टाइम आएगा ना तो क्यों जुड़े ने ऐसा कट हो जाएगा, और उस टाइम पे लास्ट कोशिश करेंगे हम के याद आवे नहीं आएगा, उस टाइम पे नहीं आएगा। और ये हाजिर इमाम ने फरमाया कि मेरे साथ का जो स्पिरिचुअल रिलेशन है, वल्ला मैं कहता हूं कि दो टाइम मैंने कोशिश की उसका नाम लेके, तो फलाना भाई तिरछा तिरछा बोलो या लिया मोहम्मद बोलो, तुम्हारो जाप याद करो, सुनो क्या आवाज आती है उसके मुंह में से, हाँ कोमा में है, मुंह में से आवाज आती है, कहीं याद नहीं आओ तू, कहीं याद नहीं आओ तू, कहीं याद नहीं आओ, अंधारू देखा है, अंधारू देखा है, आ बजा भागे छे, मारी सामे थी भागे छे, आ मारी सामे थी भागे, मने कहीं थाय छे, मने मूंझवण थाय छे, बस फिर वापस शांत हो गया। वरी कोशिश की भाई ईर्षा याली, जहां याद ना आवे तो याली, मगर नो आंसर। वरी छेले बोलता है अंधारू देखाय, अंधारू देखाय, आ बदा भागी रहा छे, भागे छे, मारी सामे थी भागे छे, आंख बंद है, दस एक मिनट नहीं हुई तो हो गया टाइम पूरा, चले गया, मर गया वो आदमी। और दसवें की दुआ के बाद उसकी फैमिली वाले ने मेरे को बुलाया, उसका भाई बोलता है मिशनरी साहब एक बात पूछवी, मैंने कहा क्या, शू कहवाय, आज છેલ્લી વખતે આપણે બહુ કોશિશ કરી યાદ અપાવવા માટે, તેમને કાંઈ યાદ નતો આવતો, અને પછી એ બોલતા હતા કે અંધારું દેખાય, મૂંઝવણ થાય, કાંઈ થાય છે, મને સમજ આંસુ છે। મેને કહા દેખો ભાઈ મેં કોઈ કે આખરત કા જજ નહીં હું, લેકિન આપ મેરે કો ક્વેશ્ચન કરે હે ને તો મેં આપકો મૌલા કે ફરમાન કે અંદર સે આપકો દિખાઉંગા, તો મુજે એક બાત આપ બતાઓ કે ઇસ આદમી કી લાઈફ કૈસી થી। वो बोलता है कि मारो भाई है तो पर मिस्त्री साहब खरेखर एनी लाइफ बहु खराब हती। मैंने कहा खराब मीन्स व्हाट, तो बोले आ मानसे कोईना ऊपर जुलम करवामा बाकी नहीं रखियो, भले अमारो भाई है तो आ मानस व्याज थी पैसा आपतो भारी व्याज थी, अने कोई बिचारो व्याज ना आपे तो एना ऊपर जुलम करतो, અને બીજા એટલા ખરાબ કામ એના અમે એને બહુ જબરજસ્તી કરીએ, તાણ કરીએ, ક્યારે ક્યારે ચાંદરાતના જમાતખાનાનો દાદરો ચડે, બૈતુલ ખયાલની અંદર દાખલ, બૈતુલ ખ્યાલનો જાપ લીધેલો, પણ એવો ફ્રેન્ડ સર્કલ એને મળી ગયો કે એની આખી લાઈફ સ્પોઇલ થઈ ગઈ। કે ઘણી વખતે મારી માં કહેતા, મારા બાપા કહેતા કે તું કાંઈ મજબ માટે ટાઈમ આપ, પણ આવી ગુનાહોની અંદર જ જિંદગી ગઈ। सब सब चीज में पूरा था, अभी मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब चीज में पूरा था। बस मैंने कहा ये बराबर है, बोले हाँ, तो अभी सुनो, अभी जवाब सुनो, मैं नहीं कहता हूं, मैंने फरमान दिखाया, किसका, आगा अली सदातार माँ बाप का फरमान, हमारे 47वें इमाम का फरमान। 47वें इमाम ने फरमाया कि ऐ जमातो जारे बच्चू पैदा थाय छे ने तो 2.5 થી 3 મહિના સુધી એ મુર્તઝા અલી હાજર ઇમામના વારંવાર દીદાર કરતો હોય છે। એ ફરમાન હૈ, આપકો નહીં સુનને મિલેંગે અલીશા કે ફરમાન, કે બચ્ચું પેદા થાય છે 2.5 થી 3 મહિના સુધી એ મુર્તઝા અલી હાજર ઇમામના દીદાર કરતો હોય છે, અને તમને ખાતરી કરવી હોય તો તમે તમારી આંગળીઓ એ બચ્ચાના સામે હલાવજો, તો એ તમારી આંગળી તરફ ધ્યાન નહીં આપે, પણ એ મુર્તઝા અલી હાજર ઇમામને જોતો હોય છે। वो टाइम औरतें नहीं जाती है, वो हमारे वहां रिवाज है, वो पानी लविंग देने को जाती है, बच्चा पैदा हुए ने फिर बच्चे को बुलावे ने चपटी बजावे ने, बेचारा बच्चा तो एक साइड पे देखता हुए तो उसकी माँ को पूछे कि आंजो छोकरों को भागे जड़ो देखे तो ये चपटी तरफ ध्यान नहीं दिनों, मगर वो भागा नहीं होता है।
تو علی شاہ نے فرمایا کہ اے مرتضی علی حاضر امام نے جو تو پھر فرماتے ہیں کہ تر مہینہ پچھی جیم جیم دیوسو وتا جائے چھے એટલે એ દુનિયાની માયામાં ગિરફ્તાર થતો જાય છે અને પછી જો તમે તમારા આંગળા એના આંખ પાસે હલાવશો તો તમારી આંગળીના ઇશારા ઉપર એ ડોળા ફરાવશે તો તમે સમજી જજો કે હવે એ દુનિયામાં આસ્તે આસ્તે આવતો ગયો તો ક્યો તો ડોક્ટર બોલતે હૈ કે ભાઈ હવી અભી ઉસકો થોડા ગ્લુકોઝ કા બિસ્કિટ દૂધ કે અંદર નરમ કરકે દો ઉસકો થોડા મયાઈ દો ઉસકો પકા કે ને કે કચ્ચી મયાઈ કૈસા वो सब फूड अभी दुनिया का आते गया आस्ते 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 फिर सुनो ऐ जमातो एना पछी मुर्तजा अली हाजर इमाम एना पछी मुर्तजा अली हाजर इमाम ए मोमन्ना मोतना समय एनी पासे हाजर थाय मोत शब्द पकड़ना वर्ड पकड़ना अने अगर ए बंदाए पोतानी जिंदगी दरमियान सारा काम कर्या होय छे रूहानी फरज बजावी होय छे તો એ બંદો મરા વખતે એ એક્સપિરિયન્સ કરે છે કે મુર્તઝા અલી હાજર ઇમામની અપાર નિયામતો એના ઉપર વર્ષી રહી હોય છે પણ અગર એ બંદાએ પોતાની જિંદગી ગુનાહોમાં વિતાવી હોય છે અને ધર્મ પ્રત્યે એ ગાફલ રહ્યો હોય છે તો અંત વેળાએ એ બંદો પોતે અનુભવ કરે છે કે મુર્તઝા અલી હાજર ઇમામ અને ફરિશ્તાઓ એના પાસેથી મોઢું ફેરવીને ભાગી રહ્યા હોય અંકાર સિવાય બીજું કાંઈ દેખ મને કાંઈ યાદ નથી આવતું મને કાંઈ બધા ભાગી રહ્યા છે ભાગી રહ્યા છે ભાગી રહ્યા છે ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा बोलते होंगे लेकिन जो ये लास्ट मोमेंट है ने जो मौलाना हजरत इमाम ने फरमाया कि तुम्हारी आखिरत नो इंसाफ तुम्हारा हाथ में छे इसके लिए हजरत इमाम बैतुल ख्याल वाले को फरमाते हैं कि जिक्र की जो मुड़ी है ने वो तुम थोड़ी थोड़ी जमा करते जाओ ताकि आखिरी टाइम के ऊपर अरे खुदा न करे कि एक्सीडेंट में हम मर जाए मौला न करे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए कि हम आग के अंदर जल जाए कि हम कैंसर में के टीबी में कैसे भी जाए या तो हार्ट फेल हो जाए लेकिन वो कनेक्शन हमारा चालू हो गए कनेक्शन हमारा चालू हो गए अली का नाम चालू हो गए और अंदर रटन चालू हो गए भले हजारों लाख कोमा के अंदर हम पड़े हो गए लेकिन मौला के साथ हमारा रिलेशन हमारे स्पिरिचुअल रिलेशन चालू और इसी दिन की तैयारी करो पर्टिकुलरली बैतुल ख्याल वाले मौलाना सरकार सुल्तान मूसा सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया अपने फरमान मुबारक के अंदर मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो देखो सुनो मौला फरमाते हैं बैतुल ख्याल नो काम लेने सुई जाओ छो कई लोगों के क्वेश्चन का इसमें जवाब आ जाता है बैतुल ख्याल नो काम लेने सुई जाओ छो तो तुम्हारी मर्जी તમારી મરજી પણ જાહેરી બંદગી યાને દુઆ શામ કી ઓ સુબહ કી જાહેરી બંદગી અને દસોન બરાબર રાખજો પછી રૂહાની બંદગી તમે બીજા જન્મમાં કરજો અને તમારા રૂહને છોડાવી લેજો સલવાત પઢો મુલાકાત યે બૈતુલ ખ્યાલ કા ફરમાન રૂહાની બંદગી તમે બીજા જન્મમાં કરજો ને તમારા રૂહને છોડાવી લેજો જાહેરી બંદગી બરાબર રખો તાકે દૂસરા જન્મ જરા હમકો અચ્છા माहौल वाला मिले कि हम सुबह को चार बजे बराबर आ सके ये मौलाना सुल्तान उषा का फरमान मैंने दिया आओ अभी दूसरा एक्सपीरियंस दीनदारो देखना और इसका तो मैं आपको नाम थाम दे सकता हूं उनकी बहन शी वॉज ऑनररी मिशनरी उनका नाम गुलशकर भाई और मेरे को मुंह बोला भाई बनाई थी वो भी वाइफ करती थी बांड्रा में रह गए और बराबर सुबह 3 बजे उसकी जमात खाने की हाजिरी घर दूर था जमात खाने से तो हस्बैंड साथ में आवे तो भले बच्चे आवे तो भले नहीं तो खुद चले जावे अकेले भी जावे हमारे वहां थोड़ा डर कमती है उसको छाती का कैंसर हुआ पहला ऑपरेशन हुआ दूसरा ऑपरेशन हुआ चौथे ऑपरेशन के टाइम पे उसकी हालत बहुत खराब थी मुझे बराबर वो दिन
मैंने अपनी डायरी में नोट किया है, टाइम शुक्रवार का दिन था, जुलाई महीना था, लेकिन 11 जुलाई जब आई वो टाटा हॉस्पिटल में थी, कैंसर के हॉस्पिटल के अंदर, 11 जुलाई डॉक्टर के पास रजा मिलती है कि डॉक्टर आज हमारा इमामत डे है, मैं जमात खाने में जाऊं, सुबह को बोलती है। डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम्हारे में ताकत क्या है कि तुम चल सको, और कैंसर पूरा फैल चुका था पूरी बॉडी के अंदर, मगर फिर भी रजा दी कि तुम जाओ। हस्बैंड को बोलते हैं कि भाई कुछ हो जावे तो हमारा कुछ नहीं है, तुम सिग्नेचर करके दो। हस्बैंड सब सिग्नेचर करके दिया और उसको जमात खाने में लाए, बांद्रा के जमात खाने के अंदर व्हील चेयर पे बिठाए थे, पीछे दुआ पड़ी, सुफरा खटी, अव्वल सुफरा खुद खटी, और अव्वल सुफरा खाटने के लिए दो औरतें उसको हाथ पकड़ के लेके आए मुखियाणी माँ के पास, सुफरा खाट के और फिर जमात के सामने टर्न हुई और दो हाथ जोड़ के कहती है कि नारो मुझे जिंदगी जो की भरोसो नहीं, आओ काले भी मरी भी ना, हेवर भी मरी भी नहीं सकाती, अने एकदम आओ एन जे मथे आया, आओ कोई के दुखाए हो या कोई जो आओ खराब बोली हो या आई मुके मरे जमात माफ करी दी जा। आखिर जमात रोती थी और सब ने बोले कि हम सब माफ करते हैं। फिर वापस रात को उसको हॉस्पिटल में लेके गए। ये 8 दिन पहले की बात है, 11 जुलाई की ये बात है, और जिस दिन ये खुदा की रहमत में पहुंचने वाली थी फ्राइडे को पहुंची, वेडनेसडे को इसका हस्बैंड बोलता है कि गुली बच्चे लोग को उधर से बुला लेंगे, पूना के हॉस्टल में, पंजगिनी के हॉस्टल में बच्चे लोग पढ़ते, ट्विंस थे, छोटे छोटे ट्विंस, तो बोले बुला लेंगे। तो हस्बैंड को बोलती है नहीं, अभी जाते जाते ये माया में कहां जीव बांधू में, बोले वहां पर पड़े हैं, माँ को दिल हो गए कि जो जिसको पता है कि मैं कभी भी जाने वाली हूं, और बोले बच्चे लोग को बुला ले, बोले नहीं। तुम विचार करो ये भाई ने अपने आप को कैसे ट्रेन किया होगा, अपने अपने रूह को ये स्टेज के लिए, मैं तो माँ का दिल हो गए, अभी जाती हूँ तो बच्चे लोग को देख के जाऊं, बोले नहीं नहीं खाली मेरा दिल बच्चे में बन जाएगा, मेरे को अभी दुनिया में दिल नहीं लगाना है। और लास्ट 15 डेज उसका हस्बैंड ने मेरे को बोला, मिशनरी वाइफ की कैसे सुने, गिनान की कैसे सुने, गिरियाजारी की कैसे सुने, बस और कुछ नहीं। फ्राइडे को मैं बारगाम से आया तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुली भाई की हालत बहुत खराब है। फ्राइडे को शाम को 4 बजे में हॉस्पिटल में एंटर हुआ, स्पेशल वार्ड में थी, जैसा मैं दाखिल हुआ ना तो डॉक्टर बाहर निकला, उसको मोर्फिया का इंजेक्शन दिया था। फ्राइडे को रात को 9 बजे मर गई, ये 4 बजे की मोर्फिया का इंजेक्शन दिया था। मैं अंदर गया तो उसका हस्बैंड बोलता है, मिशनरी साहब बहुत दिवस से आज नाम आके याद कर नहीं रही थी, मिशनरी साहब मेरे को देखने को आए नहीं है, तो अभी उसको गेंद चढ़ रहा था, देखा तो मोर्फिया इतना खराब है कि तुम टुकड़े कर डालो आदमी को मोर्फिया दे के तो उसको मालूम नहीं पड़े, तो आंखें गेंद में थी। मैंने बुलाया, गुली भाई कैसा है, क्या है, तो खास जवाब नहीं दी, बेहोश हो गई, क्योंकि उसको दर्द बहुत था, वो कैंसर का दर्द बहुत था, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। अब देखना अभी चीज शुरू होती है, गिनान माँ बोलती है कि मिशनरी साहब गिनान बोलो ने, तो मैंने गिनान शुरू किया, 2 गिनान बोला ने, और 2 गिनान बोलने के बाद मैंने उसके सिर पे हाथ फिराया, गुली भाई आंजो जहां आके याद आए, तुम्हारा जहां तुमको याद है, गुली भाई इसमें आसम याद आए, आखा हॉल भरेला था। हा मैंने कहा मौला तुम्हारी कुल मुश्किल आसान करे, आमीन। फिर इसकी मम्मी बोलती है कि हजी गिनान बोलिया करो ने, थोड़ा गिनान बोलते रहे, दुआ का टाइम हुआ, दुआ पड़े, गिरियाजरी की तस्बी निकाले। वापस उसको मैं पूछता हूं, गुली भाई जहां याद है, मौला मुश्किल आसान करे, आमीन ना, बिल्कुल ऐसा बराबर। 1 गिनान पूरा हुए, मैं पूछू इसको, गुली भाई जहां याद है, से करते 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 9 में 5 कम थी, 9 के अंदर 5 कम थी, और एक छेला गिनान मैंने बोला, ए जी हक सु हकीकत यारा, अरे जिने रे समाई तीन दिला भीतर बंदे हुई रोशनाई, तो अल्लाह गुण तेरे मौला, गुण तेरे
चाहे बगुण तेरे याचा अवगुणा बहुत हमेरा। अवगुण बहुत हमेरा। गिनान पूरा हुआ, उसका सांस बढ़ने लगा एकदम। गिनान मैंने पूरा कर दिया तो उसका भाई डॉक्टर को बुलाने गया, जो वजीर साहब थे ना वो डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर आता था, वजीर साहब आए रूम के अंदर, मेरे को बोलते क्यों गिनान बंद कर दिया। मैंने कहा 20 तो पूरा किया गिनान। तो बोले ठेरो टेप चालू करते हैं। टेप चालू करने इसके पहले मैं वापस पूछता हूं, कुछ 2-3 मिनट कमती थी, गुली भाई जहां याद है तो ऐसा करा। मैंने कहा मौला मुश्किल आसान करे। आ मी ना नहीं बोल सकी, आ मी। और फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर आके ने चेक किया और उसके भाई ने बटन दबाया कि टेप चालू करे गिनान की। और छेला पाठ, लास्ट पाठ, और पाठ खत्म हुआ और मेरे मेरे मेरी नजर उसके चेहरे के ऊपर, पीर शाह खत्म। ये नाम के साथ हाँ, मैं हाजरी माम के मैं घर में खड़े रह के बात करता हूं, बिल्कुल मेरी नजर के वो वाकत सीन मेरे नजर के सामने दुबारा खड़े हो जाते, पीर शाह। और शाह 2 मिनट पहले मैंने पूछा है जहां याद है आ मी। और पाठ था विखने वासना जा रे टणे, अरे प्यारे मन स्थिर था, अरे पीर सदर दिना ए मां भणे, पछी नूरे नूर समाय, नूरे नूर समाय। कट करके वो बटन ऊपर आ गया, पीर शाह चले। डॉक्टर खड़ा है, वो उसकी पल्स देखी, वो नाक में से नली को निकाल दिया, वो ऑक्सीजन की नली थी ने, और चादर ओढ़ा दिया उसके। ये मैं आपके सामने एक पूरा पिक्चर रजू किया, 2 एग्जाम्पल रजू किए। अब अंदाजा लगाओ जो फर्स्ट वॉइस में मैंने कहा था कि क्यों एक जन की मौत इस तरीके से होती है, और क्यों कोई 8 दिन रहता है, कोई 10 दिन रहता है, कोई 15 दिन रहता है, क्या है? तमारा आखरत नो इंसाफ तमारा हाथ में छे। जवानियाओ जो एम विचार करता हसे कि अमे आत्मानी फरज काले पूरी करशो, तो याद रखजो काल तमारा माटे क्यारे आवानी नथी। अने बुजुर्गो जो एम कहता हसे कि अमे बहु बुजुर्ग थी गया छे, तो याद रखजो मोला फरमाते हैं कि धर्म पाळवा माटे क्यारे कोई बूढ़ो थतो नथी, कोई बूढ़ो थतो नथी। माशाल्लाह आप तो कोशिश करते हैं, मुखी कामड़िया के पास से रिपोर्ट मिलता है, लेकिन दीनदारो और ज्यादा कोशिश करो। कई लोग सताड़े जो आते हैं, देखो आप लोग जो नहीं पहुंच सके हैं मेरी वॉयस के अंदर और जो सताड़ा अटेंड करते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप सताड़े में आते हैं आप तस्बीह में पहुंचो, उसका पूरा लाभ लो। और सताड़ा आपको बंगी के अंदर बहुत हेल्प करेगा। सताड़ी की तस्बीह आप अटेंड करेंगे ना, आपको वो तस्बीह बंगी के अंदर बहुत हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। और दूसरी एक जो तुम्हारे यहां कुछ प्रोसीजर है उसमें थोड़ा चेंज करो, जैसे हमारे इंडिया में है, कई जमात खानों में हमारे इंडिया में सताड़े के दरमियान में हम लोग भी ब्रेकफास्ट रखते हैं, लेकिन कभी रखते हैं सुबह को 5 बजे न्याज पिए जावे और जमात नीचे उतरे तभी जमात को कुछ नाश्ता देने में आता है, कोई जमात खाने में साथ में सताड़े में देने में आता है, लेकिन नाश्ता करके 4 बजे फिर तुम ऊपर चढ़ेंगे और फिर तुम इबादत पे बैठेंगे, तुम्हारे से कभी इबादत नहीं होगी दीनदार, कभी आपका ख्याल आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। इसके लिए बराए करम ये 2 चीजें जब आते हैं इस दरबार के अंदर, मैं तो मौलाना सुल्तान मुशा ने फरमाया कि निंदर करो ये वधारे सारू छे, पण इमाम ना घर ना तमे करजदार नहीं बनो, इमाम के घर के करजदार मत बनो। चेत चेत बाना मन चंचल करीने चेतो, अने जब लग गट माहे साथ भाव हुआ पण भगती न हुई, जीवड़ो उठी ने चालियो निराश। मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजर इमाम मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। देखो यशोसेन की छपी हुई बुक है, जो लोग कहते हैं ने कि अपने कुछ हिसाब किताब नहीं लेने में आएंगे, अपना कुछ पुछाना नहीं लेने में आएगा,
سلطان ممشاہ کا فرمان ہم ریفرنس دیتے ہیں لیکن یہ شاہ کریم حضر امام کا فرمان ہے, یہ بیت الخیال کا فرمان ہے اور ابھی یہ کتاب چھپی ہے. تمہارا ماتھی دریک جنائے ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہے. دینداروں, دنیا کے کئی لوگ, کئی اپنے اسماعیلی بھائی بہن کوئی پیسے کی مستی میں, کوئی خوبصورتی کی مستی میں اور کوئی اپنی انٹلیکچوئل کی مستی کے اندر مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں اور مذہب کے طرف بے درکاری بتاتے ہیں کہ ارے آ تو بدا بھگتوں نا کام چھے کھانا ماں جو وغیرہ. لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کا دنیا بانے بولتا ہوں گریجویٹ ہے. آپ کہو اس کو سائنس کا نالج ہے, اس کو ہر چیز کا دنیا کا لیٹسٹ نالج ہے. میں امام کے طور پہ بات نہیں کرتا, ایک انسان کے طور پہ بھی بات کرتا ہوں کہ کوئی انگوٹھا چھاپ ہمارا دھرم گرو نہیں ہے. وہ حضر امام کہتا ہے کہ تمہارا ماتھی درج جنا نے ایک دیوس آ دنیا چھوڑی انی اے جیون طرف جو چھے جے جیون ہمیش ماٹے نو چھے. جارے تمہیں آ جگت پر چھو تو تمہیں 20 ورس 30 ورس کے ودو ماں ودو 90 ورس سدھی ہشو. અને જ્યારે તમે પેલી દુનિયામાં આવશો માલુમ હૈ કે કિધર હમારા મોત લિખેલા હૈ, કે મેરા મોત કિન્શાસા મેં લિખેલા હૈ, કે પ્લેન મેં લિખેલા હૈ, કે કેનેડા મેં, સિવાય કે મેં બંદગી મેં બહુ આગે બઢ કે મેં જાન જાઉં, લેકિન કૈસે મરના વો હમારે હાથ મેં સોંપ દિયા હૈ. કહાં મરેંગે, કૈસે મરેંગે, ઇસકે હાથ મેં હૈ. لیکن کس طریقے سے یہ دیہ کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں وہ حضر امام نے ہمارا ہاتھ میں دے دیا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں ٹائم ہے. وضو ماں وضو تمہیں سمجھنو بھوگ آپو. بیت الخیال کا کامڑیا تھا انڈیا کے اندر حسن آباد کا, چار جماعت کا نہیں ہے, درخانہ, کانڈی مولا, واڑی اور حسن آباد. نام تھا اس کا حیدر بھائی, بیت الخیال کا کامڑیا. اس کی ماں میرے کو آخری اس کی بات بتائی, مجھے تو پتا نہیں تھا. تو والنٹیئر کے اندر اس کی ماں ہے, تو ایک دن والنٹیئر کے اندر میرے کو بلائے تھے لیکچر دینے کے لیے سیوا کے اوپر. لیکچر وغیرہ ہو گیا, پھر کھانا تیار ہوتا تھا تو میں بیٹھا تھا, میرے بازو میں وہ بوڑھی ماں بیٹھی تھی. تو یعنی مشنری صاحب مولانی مدد, باتیں چیتیں شروع بھی ایسے کرتے کرتے میں نے پوچھا کہ ماں جی کتنا بچہ ہے آنجا؟ تو بولے بیٹا ہمیں اکڑی چھوکری جائے. میں نے کہا چھوکرو نہیں؟ تو بولے ہو چھوکرو, પણ ગુજરી ગયો, ખુદા જી રહેમતે પૂગી ગયો. કેટલા ટાઈમ હુઆ? તો બોલે 72 કે અંદર. કેટલી ઉંમર થી? તો કહા 44 યર્સ કા, 44 બરસ કા. મેં બીમાર હો? બોલે નખુન મેં ભી બીમારી ના આવી, ઉંજે નખુન મેં ભી બીમારી ના આવી. થોડા આંખ ભર કે આઈ લેકિન બોલતી હૈ મોલાજી મરજી મિશનરી સાહેબ, મોલા જો માલ હો મોલા ગિની ગડી. લેકિન ફિર ક્યા બોલતી હૈ કે મિશનરી મુજે છોકરો મરી ગયો ને તડે સે હકડી દુઆ મંગાતી کہ یا مولا تو مرے کے موت دیے نے تو مجھے چھوکرے جوڑو موت دی, مرے کے موت دیے. تو میں نے کہا کہ ماں جی اڑو کرو موت سے آنے چھوکرے جو. تو میرے کو بولتی ہے وڈے کم جو کامڑی ہو ہسنا بچ جو, بیت الخیال کا وہ کامڑیا تھا برابر. پھر تو بولے بینک میں کام کرتا تھا, بینک کا اس کا کام تھا. بولے 3 مہینے کے لیے ہم لوگ اندھیری گئے سینیٹوریم کے اندر, لوگ ڈونگری سے وہاں گئے رہنے کو, کچھ بلڈنگ ریپیئر ہوتی تھی. تو بولے اندھیری سے وہ ہمیشہ کام پہ آوے. اور بولے مشنری شام کے ٹائم پہ جدھر بھی جماعت خانہ نزدیک ہوئے نے ہمارے وہاں کیا کہ دعا کا ٹائم فکس نہیں ہے, وہ سمر اور ونٹر کے اندر چینج ہوتے رہتا ہے ٹائم. پھر شام کو 7:30 بجے تک, ابھی 7:30 تک ہوئے گا اور پھر 6 بجے تک جاوے. تو بولے جہاں بھی جماعت خانہ نزدیک ہوئے تو پھر وہاں پہنچ جاوے. ایک دم لیٹ ہوئے نے, دعا کا ٹائم 7:30 کا ہوئے تو بولے مشنری وہ اندھیرے پہنچ جاوے. ہم لوگ 3 مہینہ اندھیرے رہنے کو گئے تھے اور حسن آباد میں تھے جبھی تو کوئی سوال نہیں تھا, وہ پہنچ جاتا تھا اپنی سروس پہ سے. مشنری اس طریقے سے اندھیرے سے وہ اپنے بینک میں آتا ہے, ٹرین میں بیٹھا ہے اور اس کو پین ہوا چھاتی کے اندر سینے میں. تو بائک کھلا تو اتر گیا, ٹیکسی کیا, ٹیکسی کر کے وہ حسن آباد آیا. ٹیکسی میں بیٹھا ہے اور ایک لڑکے کو بولتا ہے کہ بھائی میری بہن کو بلا دینے اوپر سے, میری سسٹر کو بلانے, جلدی بلا ارجنٹ. تو سسٹر آئی, بولتی ہے ادھر کرو آئے. بولے بہن مجھے چھاتی میں بہت دکھے, تو ڈاکٹر کو بلا ادھر. تو ڈاکٹر نے ٹیکسی میں چیک کیا اور بولا اس کو جلدی ہاسپٹل میں داخل کرو. تو فوراً اسماعیلی جنرل ہاسپٹل میں لائے. ڈاکٹروں نے کہا انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل کیا, بولے اس کو اٹیک آیا ہے. فوراً ٹریٹمنٹ سب شروع ہو گئی.
और माँ को पता चला, वाइफ को पता चला, बच्चे लोग सब आए। जब माँ आई ने, उसकी माँ मुझे बोलती है, मिशनरी आओ जड़ी दाखिल थे से ने, तो मेरे को बोलता है, माँ जी मुझे टाइम नजदीक अच्छी हुआ है। माँ को बोलता है तो बोले मिशनरी आओ हुए पैसे कि बेटा मैं जाने देती हूँ, तू ऐसी बात करता है। तो बोलता है माँ उनके दरबार में जवान ने बुढ़ा ना ही नारा ने जिन जो टाइम पूरा थियो इनके बुलाए कि तो हने जल्दी अकड़ो कम करो मुखी साहब के बुलायो। तो तरत वाड़ी का मुखी साहब आया तो पाकिट के तके के नीचे से पाकिट निकाला, पैसे निकाला कि मम्मी बोलती है मुखी बापा के हाथ में पैसे दिया। मुखी साहब छंडो भेजी दियो, छाटा लिया समर, छाटा लिया गुना बख्शामणि का छाटा लिया और फिर बच्चे लोग के सिर पे हाथ फिराया, वाइफ के पास माफी मांगा, माँ के पास माफी और फिर बोलते नारो मिशनरी जो रू की निकले तो कि मेरे पास माफी मांगता है और फिर चादर जो थी ने वो चादर खींचता है, माँ आ बिना तो याली मदद और ऐसा आस्ते आस्ते चादर खींचा मुंह तक रह गया हाफिस। मैंने आपको नाम ठाम सब दिया है, ये मौत कैसी दिनदारो, ये मौत कैसी, ये करनी कैसी और इसी दिन की तैयारी करो। मैं नहीं कहता हूं कि सभी के साथ इसी टाइप का होना चाहिए, मेरा मकसद एक है कि एंड टाइम जो है हमारा, उस एंड टाइम के अंदर हमारा तार खुदा के साथ अल्लाह के साथ चालू रहना चाहिए और वो हमारा जिक्र, हमारी बंदगी, हमारा मजहब हमको याद रहना चाहिए, हमको याद रहना चाहिए। और वो अली 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 का रटन हृदय अली को नाम लिख और अखर शब्द अहमद अली अली बोलनता होनी होए सो होए बस। और इसके लिए हाजरी माम कहता है कि तैयारी करो, जारे तमे ए दुनिया में आवशो, ए रूहानी दुनिया में आवशो तो वधु सारी रीते तमे तैयार थेला छो, वधु सारी रीते। और लास्ट में एक और पिक्चर, शायद नेक्स्ट वॉइस के अंदर कोई आ सके ना आ सके कामकाज के लिए, कि मैंने एक बात अभी एक सेंटेंस कहा ने, अच्छा नहीं कर सको किसी का बुरा मत करना, कभी भी बुरा मत करना। इस दुनिया के अंदर एक्शन और रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है वो समझो कि हमारी हयाती के दरमियान में हमको ना पता चले, लेकिन अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर फरमाया है, गौर से ये आयात सुनो, फिर लास्ट में एक और इंसिडेंट बता के मेरी वायस को मैं खत्म करता हूं। ये आयात बड़े गौर से सुनना, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग इस जिंदगी की लिज्जत चाहते हैं, जे लोगो आ जिंदगी निज मौज मजा चाहे छे, हम उसके अच्छे आमाल का बदला यही चुका देते हैं, हमें एना सारा आमाल नो बदलो अहिया चुकावी आपीए छे। कौन लोग जे अहिया निज लिज्जत चाहे छे, केड़ा जलसा करण जाए बस। अभी सुनो, ये वो लोग हैं, आ ए लोको छे के जेना माटे आखरत मा आग ना सवाय काही बाकी नथी, जिसके लिए आखरत में आग के सवा कुछ बाकी नहीं है, हम उसके अच्छे आमाल के बदले में अमें एना सारा कार्यों ना बदला मा एना दुनियावी सुख मा बहु वधारो करिए छे, उसके दुनियावी सुख में बहुत इजाफा करते हैं, कोई प्रकार की ओछप नहीं आवा देता, किसी किस्म की कमी नहीं आने देते हैं। फिर अगेन ये वो लोग हैं, आ एवा लोको छे के आखरत मा एना माटे आग ना सिवाय काई बाकी रहतु नथी। अब थोड़ा समझे ने तो कन्फ्यूजन वाली आयात है कि जो इस जिंदगी की लिज्जत चाहते हैं वो लोग अच्छे अमल भी करते हैं। आपको पता है अच्छे अमल भी करते हैं, खुदा कहता है उसके अच्छे अमाल का बदला इधर देता हूं। अभी एस फॉर एग्जाम्पल दो मिनट के लिए समझ जाओ कि मुझे इस जिंदगी की लिज्जत चाहिए, कि मुझे ऐश आराम करना है, मुझे खोटे एंटरटेनमेंट करने हैं, मुझे कभी जमात खाने के मस्जिद में नहीं जाना है नमाज पढ़ने को, हाँ लेकिन मैं दूसरे कुछ काम करता हूं। क्या करता हूं कि कभी किसी को सखावत करता हूं, कभी किसी ऑर्फनेज के अंदर किसी को हेल्प करता हूं, तो ये मेरे अच्छे आमाल भी है और दूसरी मेरी बुरी साइड है, बहुत बुरी साइड है ये दोनों। अल्लाह फरमाते हैं कि जो दुनिया की लिज्जत चाहते हैं तो उसके अच्छे आमाल का बदला मैं दुनिया में चुकाता हूं। कि तुमको मजहब की नहीं पड़ी है ने,
तुमको अल्लाह की याद की नहीं पड़ी है इन्हें, लेकिन तुम कुछ अच्छे अमाल करते हो मैं तुमको उसका बदला दे देता हूँ। किसमें देता है? तो कहता है कि उसके दुनिया के सुख में कोई कमी नहीं रखता हूँ। फिर कहता है ये वो लोग हैं कि आखरत में यानी दुनिया छोड़ने के टाइम पे, मौत के टाइम पे, आग के सवा कुछ बाकी नहीं रहता है, आग के सवा कुछ बाकी नहीं रहता है। लास्ट मई महीने में मैं जामनगर डिस्ट्रिक्ट में था, इंडिया में। जामनगर के अंदर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल है, और उसमें हमारे एक इस्माइली डॉक्टर हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट है, कैंसर के सर्जन है। अठवाड़े के एक से दो से तीन ऑपरेशन, बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन वो करते हैं। मेरी दो वाइज उन्होंने अटेंड की जामनगर में, तीसरी वाइज में वो नहीं आ सके थे, और मुझे कहा था मिशनरी मेरा ऑपरेशन का काम था तो मैं नहीं आया था। लेकिन दो वायस सुनने के बाद उन्होंने मुखी साहब के थ्रू मैसेज भेजा कि मैं मिशनरी को मिलना चाहता हूं। देखो सर्जन बड़ा अंगूठा छापने, ग्रेजुएट, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर। मुखी साहब ने कहा मिशनरी डॉक्टर अपने को बुलाया है लंच पे, उसको कुछ तुम्हारे से काम है। तो हम लोग गए, मैंने मुखी साहब गए, जामनगर के मुखी साहब। खाना खाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं मिशनरी साहब मैं तुमने शाम आटे बोला गया खबर? मैंने कहा नहीं भाई, तुमको कुछ पूछना है। बोले मिशनरी साहब तुम दो रूहानी मजलिस में वायस के ने? मैंने कहा हाँ, और उसमें जो तुम एग्जाम्पल दिए ने सब, वो लाइफ आफ्टर लाइफ का ने, मरने के बाद ये होता है ने वो होता है ने, मरने के टाइम पे ये एक्सपीरियंस होता है। मैंने कहा हाँ। तो मेरे को कहता है मिशनरी साहब मैं हॉस्पिटल में 5 बरस से हूं, और हमारे डॉक्टरों की एक टीम है, हमारे एक फ्रेंड सर्कल है, और हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है। क्या ऑब्जर्वेशन? कि हमारे हमारे हॉस्पिटल में बहुत मौत हम देखते हैं, बहुत मौत देखते हैं, और दुनिया के अंदर 80% मौत उसने कहा हॉस्पिटल में होती है। और मुझे कहता है मिशनरी साहब ये मौत देख देख के ने हम लोग ने एक रिजल्ट निकाला, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, कि ये सब अलग अलग प्रकार से सबका मरना, तो हमने ये निकाला रिजल्ट कि हर एक की करनी का हिसाब से उसकी मौत होती है, उसके आखिरी जिंदगी का आमाल के ऊपर से उसकी मौत होती है। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मिश्री साहब 15 दिन पहले मेरा एक कैंसर का पेशेंट जो मुस्लिम था, मेमण था जात का, बोले मिश्री साहब वो खुदा की रहमत पे पहुंचा, मैंने उसका ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके लड़के लोग को बोला था कि तुम्हारा बाप बचने वाला नहीं है, तुम ऑपरेशन मत कराओ। तो बोले कि नहीं तुम ऑपरेशन करो, ऐसा भी तो मर जाने वाला है, ऐसा भी मरेगा, लेकिन उसको ऐसा ना लगे कि मेरे लड़के लोग ने मेरा इलाज नहीं कराया। तो बोले मैंने ऑपरेशन किया, वो बापा का बड़े उम्र का आदमी था, और मिशनरी उसको मैं रोज चेकअप करने को जाऊं, और पता था कि 8-10 दिन निकालेगा। मुझे कहते हैं कि मिशनरी उसका मौत का जिस दिन दिन था ने, तो सुबह मैं उसको राउंड पे गया हॉस्पिटल के अंदर और उसको चेकअप किया, तो मुझे लगा कि शायद ये आदमी आज का दिन नहीं निकाले। तो मैंने उसको कह दिया, बोले मैं अक्सर मेरे पेशेंट से छुपाऊं नहीं, उसका टाइम आ गया हो तो मैं बता दूं। और वो आदमी होश में था, बोले बातचीत बहुत कमती करता था, आस्ते बोलता था। तो मैंने कहा काका तमारो छे ने कदाच आजे टाइम पूरो थशे, तमे व्याधि नहीं करो, जो हूं डॉक्टर छू छुपावतो नहीं, तमे अल्लाह ने याद करो, तमे मुसलमान छो, तमे जो कुरान तमे जानता हो तो कुरान ने याद करो, અને આસ્તે આસ્તે તમે શરીરને છોડોને અલ્લાહની પાસે જવાની તૈયારી કરો। ઓર ફિર નર્સ કો બોલતા હે કે દેખો કુછ જરૂરત પડે તો મેરે કો બુલા લેના। ડોક્ટર બોલતા હે મિશનરી મેં દોપહેર કો લંચ લેતા થા તો નર્સ આઈ ભાગતી ભાગતી, બોલે ડોક્ટર વો પેશન્ટ તુમકો જલ્દી બુલાતા હે, બહુ ચિલ્લા રહા હે, બોલે। તો બોલે મેં ગયા, ગયા ને તો વો આદમી ડોક્ટર કા હાથ પકડ કે બોલતા હે ડોક્ટર સાહેબ એક કામ કરો જલ્દી। બોલે શું કરું? बोले कागल लियो अने हूं जे लखावु छु ते लखो। और बोले मिस्त्री ऐसी तरीके से वो बात करता था और ऐसी उसकी हालत थी। तो मैंने कहा कि बापा तमे हवे आ जवा टाणे शू बधू लखावो ने, हवे तमे आस्ते आस्ते अल्लाह ने याद करो ने दुनिया छोड़ो। वो बोलता है डॉक्टर हूं मरी नहीं सकतो, हूं मरी नहीं सकतो, मने जे वेदना थई रही छे ने, मने जे अत्यारे पेन थाय छे ने, મને જે અત્યારે ફીલ થાય છે તમને નહીં ખબર પડશે, ડોક્ટર જલ્દી કરો નહીં તો હું તરફડતો જ રહીશ, મારી દેહ નહીં છૂટે।
तो बड़ा भी बेचारा बहुत कर करता था। मैंने कहा चलो, तो उसके सब फैमिली है यहाँ, उसके लड़के खड़े, वाइफ खड़ी है, तो लिखाता है कि डॉक्टर मैं जे गुना करिया छे ने जल्दी लखो और लिखाता है। मेरे को डॉक्टर बोलता है, इसका नाम देता हूं तुमको, जामनगर मैंने गांव का नाम दिया है, मिस्टर मामदानी। इसका कार्ड है मेरे साथ में से, मैं कोई नेक्स्ट वाइज में आपको इसका पूरा एड्रेस दूंगा, मिस्टर मामदानी इसमें भी अपना। डॉक्टर बोलता है बाबुल मिश्री, वो लिखाता है कि जो मैं शू गुना करिया छे, और फिर कहता है मैं आप पैसों केवी रीते बनाव्यो, लिखाता है मैं कितना ना पैसा खाधा, मैं कितना ना दागीना मारी लीजा। बिचारे कोई लाचार लोग आवे के दागीने के ऊपर पैसे लेके जावे व्याज से, बोले मैं कितना ना दागीना खाधा, मैं कितना ने हैरान करिया, मैं आखी जिंदगी में शू शू करियो, सब लिखाता है। और एंड में क्या बोलता है पता है, डॉक्टर अमारा छोकराओ ने कियो के ए लोको पासे माफी मांगी आवे अने जेने थाय एनु रिटर्न करे पाछो। और फिर कहता है लड़के लोग को बुला के जुओ हूँ अत्यारे जे वेदना भोगवी रह्यो छु ने, अने आ मैं एटला माटे लखाव्यु छे के तमने आ वेदना न भोगवी पड़े अने सहन नहीं थसे तमारा थी। मेहरबानी करीने तमे गुनाना काम नहीं करजो, अने अल्लाहे जे कुरान में फरमाव्यु छे ए प्रमाणे चालजो। और इतना हाथ जोड़ के लड़के लोग के सामने करगरता है डॉक्टर ने मेरे को बोला। अने पछी मिशनरी साहेब एने बेहोशी आवती गई, अने एनी हालत जोई अने मैं मन में के मौला ने दुआ करी कि या श्रीमान तू इन्हें जल्दी छुटकारो आप, के जोवातु नतु के देखे नहीं जाता था, उसने जिस तरीके से शरीर को छोड़ा है, तो वो हूँ दुआ मांगतो तो के मौला इन्हें जल्दी छुटकारो आप, इसको जल्दी तो छोड़। ये मैंने आखा पिक्चर आपके सामने दिनदारो, ये चीजें आपको लॉजिक की बुक में नहीं मिलेंगी, ये फिलोसॉफी की, सोक्रेटिस की, के प्लेटो की बुक में नहीं मिलेंगी, ये चीजें आपको कुरान में मिलेंगी, ज्ञान में मिलेंगी, फरमान के अंदर मिलेंगी। और इसके लिए हमको जगाने में आता है, चेताने में आता है पैगंबरों के तरफ से, कुरान के जरिए। और इमाम, प्रेजेंट लिविंग इमाम हमारे पास है, वो चाहता है कि कम से कम इसके रूहानी बच्चों के एंड टाइम पे खराब हालत न होवे। और जब ये दुनिया छोड़े, मौला ने फरमाया कि आस्ते आस्ते मौला का नाम लेके और हम ये दुनिया छोड़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाह के पास से आए हैं और अल्लाह के तरफ हमको वापस लौटना है। बाकी की चीजें मैं मॉर्निंग की वॉइस के अंदर पूरी करूंगा, कि भाई जरूरी नहीं है कि सब लोग अपनी जिंदगी के दरमियान नूर तक